प्रश्न संख्या चार, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। तो प्रश्न चार का क, तो इस संख्या को विस्तारित रूप में लिखना है, ठीक है। तो संख्या क्या है? 4,32,140, 4,32,140। तो देखिए विस्तारित रूप यानी जो पहला अंक क्या है, चार है, तो चार लिखेंगे। चार के बाद कितना अंक है? एक दो तीन चार पाँच, पाँच अंक है चार के बाद, तो पाँच शून्य देंगे, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। 4 लाख यानी 4 लाख लिखेंगे, ठीक है। 4 लाख के स्थान पे है तो 4 गुने 1 लाख, 4 लाख हुआ, फिर जोड़ का चिन्ह। उसके बाद तीन लिखेंगे, तीन के बाद कितना अंक है? एक दो तीन चार, चार शून्य देंगे, फिर जोड़ का चिन्ह, फिर दो लिखेंगे, दो के बाद कितना अंक है? एक दो तीन, तो तीन शून्य, फिर एक, एक के बाद दो अंक है तो दो शून्य, फिर चार, चार के बाद एक अंक है तो शून्य देंगे, एक शून्य प्लस शून्य, तो इस शून्य को बस लिख देंगे यहाँ पे अंत में। तो 4 लाख जोड़ 30,000 जोड़ 2,000 जोड़ 100 जोड़ 40 जोड़ शून्य। तो ये हो गया इसका विस्तारित रूप। तो बस सबका स्थानीय मान जो जो सब एक एक करके सभी अंकों का लिख देना है और फिर जोड़ देना है, वही हो जाएगा इसका विस्तारित रूप इस संख्या का। तो चार देखिए, 4 लाख के स्थान पे तो 4 गुने 1 लाख, 4 लाख हुआ, तीन कौन से स्थान पे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 3 गुना 10,000 30,000 हुआ। तो उसी तरह सबको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, जौन जौन स्थान पे उससे गुना कर देंगे, या जितना उसके बाद अंक रहेगा उतना शून्य हम देते जाएंगे। जैसे 4 के बाद 5 अंक तो 5 शून्य, 3 के बाद 4 अंक था तो 4 शून्य, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। ख, ख में है, पहले हम इसको लिख लेते हैं प्रश्न को। तो ये कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, 57,65,432। तो पहला अंक 5 है, तो 5 के बाद कितना अंक है? एक दो तीन चार पाँच छ, तो एक दो तीन चार पाँच छ, 6 शून्य दे देंगे, फिर प्लस, प्लस का चिन्ह, उसके बाद है 7, तो 7 लिखेंगे। 7 के बाद कितना अंक है? एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, फिर 6 लिखेंगे। 6 के बाद एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, फिर 5 लिखेंगे। 5 के बाद एक दो तीन, एक दो तीन, फिर 4 लिखेंगे। 4 के बाद 2 अंक है तो 400 जोड़, 3 के बाद 1 अंक है तो 30 जोड़ 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 लाख जोड़ 7 लाख जोड़ 60,000 जोड़ 5,000 जोड़ 400 जोड़ 30 जोड़ 2। इसका विस्तारित रूप। ग हल करेंगे अब। तो ग में है, इक्कीस लाख 402, ठीक है। तो इसका विस्तारित रूप, सबसे पहला अंक 2 है, 2 के बाद कितना अंक है? एक दो तीन चार पाँच छ, तो 6 शून्य देंगे, एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है। फिर प्लस 1 लिखेंगे, एक के बाद कितना अंक है? एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, फिर प्लस का चिन्ह, फिर देखिए शून्य है, तो शून्य का तो शून्य ही होगा, 2 शून्य है, देखिए ये शून्य का फिर 2 शून्य है, तो शून्य प्लस शून्य लिख देंगे। फिर 4, तो 4 के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य, फिर देखिए शून्य आ गया, तो शून्य के बदले शून्य ही लिखेंगे बस। और फिर प्लस 2, 2 के बाद 1 भी अंक नहीं है तो बस 2 लिखे देंगे, क्योंकि 2 इकाई के स्थान पे है,
तो इकाई मतलब एक, तो 2 गुना 1 2, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। घ, घ में है इसको हम पढ़ेंगे, कायदा है सैकड़ा, हजार, 10,000,00,000, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, 1 अरब, 1 करोड़ 20 लाख, 4,005। तो इसका विस्तारित रूप, सबसे पहला अंक 1 है, 1 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 1 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 शून्य देंगे हम जोड़। अब शून्य है यहाँ पे, ठीक है, शून्य है, तो शून्य को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्लस हम शून्य लिख, अगर हम लिखें या ना लिखें, क्योंकि शून्य से जोड़ेंगे तो, अगर शून्य से किसी भी अंक को जोड़ें तो वही अंक हो जाता है, जैसे 5 को शून्य से जोड़ें तो 5 ही हो जाएगा, इसलिए शून्य को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 को लिखते हैं, तो देखिए 2 लिखेंगे सीधा, 2 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए शून्य है, शून्य को छोड़िए, 4 को लिखेंगे, अब 4 के बाद 3 अंक है, 1 2 3, तो 1 2 3, उसके बाद सीधा 5 है, तो ये हो जाएगा इसका विस्तारित रूप। अब अड़ा में, तो अड़ा में है सात लाख 20,101 है, तो 7 का पहले हम लिखेंगे स्थानीय मान, 1 2 3 4 5, 7 के बाद 5 अंक है, 7 के बाद 5 अंक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जोड़, 2 के बाद 1 2 3 4 जोड़। फिर देखिए शून्य है, तो शून्य को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो प्लस शून्य भी आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी, तो डायरेक्ट संख्या को ही लिखते हैं, तो 1 के बाद 2 अंक है, 2 शून्य, प्लस फिर शून्य आ गया, तो शून्य को छोड़ देते हैं, बस 1 को लिख देंगे, तो ये हो गया इसका विस्तारित रूप। तो शून्य को आप लिख भी सकते हैं प्लस शून्य, जैसे इसमें लिखे थे, तो शून्य से जोड़ना या ना जोड़ना बात बराबर है, ठीक है, तो लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। छ में है 2,10,123, 2 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जोड़, 1 के बाद देखिए 1 के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 फिर शून्य आ गया, तो शून्य को छोड़ देंगे, फिर 1 1 के बाद 2 अंक है, तो 2 शून्य, फिर 2 के बाद 1 अंक है, तो 1 शून्य, फिर 3, तो ये हो गया इसका च का विस्तारित रूप। छ में 1,00,000, 10,000,00,000, 1,02,010 है, तो 1 का पहले हम लिख लेते हैं, तो 1 के बाद 1 2 3 4 5, 5 अंक है, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया 1 का स्थानीय मान। अब शून्य को छोड़ेंगे हम, शून्य को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 2 के बाद 1 2 3, तो 3 शून्य दे देंगे 2 पे, फिर देखिए शून्य है तो उसको छोड़ देंगे, फिर 1 है, 1 के बाद 1 अंक है, तो 1 शून्य जोड़। अब देखिए अंत में शून्य है तो उसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बस यहीं तक लिख देंगे हम इसका विस्तारित रूप, 1,00,000 जोड़ 2,000 जोड़ 10, ठीक है।
क्योंकि शून्य को जोड़ प्लस में लिखें या ना लिखें वही आएगा। अब ज ज में है पांच, तो 543,201 है, तो पांच का स्थानीय मान 1 2 3 4 5, यानी पांच का, पांच के बाद 1 2 3 4 5, पांच अंक है पांच के बाद, तो पांच शून्य देंगे जोड़ चार लिखेंगे। अब चार के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जोड़ तीन के बाद 1 2 3, दो के बाद दो अंक, एक दो के बाद एक अंक दो अंक, तो 2 0, फिर शून्य है तो शून्य को नहीं लिखेंगे, बस एक लिख देंगे क्योंकि अंत में एक है, तो एक के बाद कोई अंक नहीं है तो बस एक लिख देंगे। एक का स्थानीय मान एक ही होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 500,000 प्लस 40,000 प्लस 3,000 प्लस 200 प्लस 1। यानी विस्तारित रूप इस तरह से हम सभी का लिख देंगे प्रश्न 4 में।